जय सुनो वैश्व माउंटेन, आपका हार्दिक स्वागत है। देख रहे हैं पहाड़ों की खबर, सुचित खबर, आपका अपना चैनल वैश्व माउंटेन खबर। मुझे से जब आप सरायखेत की तरफ या नूर खाली की तरफ आते हैं तो आपने रोड की हालत देखी होगी, काफी दयनीय थी। लेकिन चुनाव के बाद भाजपा की सरकार ने इन चीजों को समझा और सरकार बनने के बाद तुरंत ही इस पर कार्य होने लगा है। मुझे से रुगलार खाल तक 26 किलोमीटर रोड का डामीकरण किया जा रहा है, जिसका जायजा समय समय पर जाकर भाजपा के कार्यकर्ता ले रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से पहाड़ों में अन्य जगहों में यह आ रही है कि यह सड़क ज़्यादा टिकती नहीं है या ठेकेदार इसमें मिली भगत करते हैं, तो भाजपा के कार्यकर्ता समय समय पर जाकर इसका निरीक्षण कर रहे हैं। आज हमारे सहयोगी जसलीन रावत ने भी दिगुली खाल से इसका जायजा लिया, वहाँ पर बात की कार्यकर्ताओं से। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। भारत सिंह भंडारी जी, आप भी लगातार ये निरीक्षण कर्मी जब किरण नोगा भी आई तो लगभग कल लाग आप था, आज आप कार में बैठी गई आप। सबसे पहले मैं वॉइस ऑफ माउंटेन चैनल धन्यवाद करूँ और धन्यवाद करूँ पार्टी का सभी कार्यकर्ताओं, क्योंकि लगातार पार्टी कई दिन निजी जैसे पार्टी के कार्यकर्ता जो एक रोड जगह नहीं हमें, आज जो हम गाड़ी में होते रोड इन बनना बिल्कुल मखाने की तरह और बिल्कुल गड्ढे एकदम कहीं गड्ढे 10 इंच माल पड़ में, कहीं 12 इंच पड़ में, कहीं 6 इंच पड़ में, कहीं 4 इंच पड़ में, गड्ढू हिसाब से जगह में जैसे जरूरत है ना। और रोड़ा संतुलन बन में बिल्कुल अच्छे बन में रोड इन बात से, और हमारा क्षेत्र जनता बहुत जागरूक हो गया। और धन्यवाद मान्य विधायक जी भी जो भी एक घोषणा करी ये क्षेत्र का मान्य मुख्यमंत्री जी ने, उन पर जो अमली जामला जो है आज जो बनाया जा रहा है और अच्छी रोड बन रही है। और जो भी विधायक जी ने घोषणा करी क्षेत्र के विकास के लिए, निर्णय विकास के लिए, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो पिछले कार्यकाल में छोड़ गए होंगे इस कार्यकाल में वो अवश्य पूरा करेंगे। एक बात और प्रश्न, लगभग आपा के हिसाब से 1-1.5 किलोमीटर ये रोड रोज बनना, तो लगभग गुलार में टिकी यार समझो तुम मरचुला तक या भेदनखाल तक जो गढ़वाल क्षेत्र में आना है, बाकी तो कुमाऊं क्षेत्र में आना, तो कद का दिन में वो तैयार हो जाओ? लगभग 2 महीने पर पूरा लगना चाहिए और लगातार पर दिन रात काम चल में, और साइड इंचार्ज डंपर जी लोग हमारा ए साहब और भंडारी जी लगातार हम डेली साइड पर जी, हमारे राजू भाई PDWD में जो यहाँ पर कार्यरत है वो लगातार यहाँ पे जो है मशीन के साथ देख रहे हैं और डेली इसमें जो है बिजली के साथ साथ ही मशीन से टेस्टिंग हुई इसमें कि कितने इंच इसमें लेयर जो पड़ रही है। और मैं शायद इस क्षेत्र में पहली बार देख रहा हूँ इस रोड जो है हमारी इसमें हॉट मिक्सर जो हो रही है, लोगों को पता नहीं, इससे पहले पता ही नहीं था कि हॉट मिक्सर रोड क्या होती है, जो मक्खन की तरह बन गया। अब मैं धन्यवाद देता हूँ विधायक जी का भी जिन्होंने पिछड़े हुए क्षेत्र के लिए इतना बड़ा विकास कर सोचा, और कार्यकर्ताओं को भी जिन्होंने हमने अपनी मांग रखी वो मान दी उन्होंने, उन्होंने उन मांग को जो है पूरा किया। बहुत दुगल खाल में जख्म की नई रोड बन में है जो कि मरचुला से और गुलारा खाल तक बनना पूर्व हॉट मिक्स होने से करीब 26 किलोमीटर, और एक जो बजट से 11 किलोमीटर से आज हमने यू मशीन थक दिया खैक में, और एक राइड भी कार नई बनी रोड में जो लगभग 5 किलोमीटर से, ये में पहले जो मुआट मसला ले पूरा खड्डा भुरे जाने करीब जो 2.5 इंच करीब हूँ मैं, और वे बाद 2 इंच करीब बरीक मसल डले जाना। तो आज एक मैं देखना घनी भारतीय जनता पार्टी का मंडल महामंत्री सुनील चौहान जी और उन नगर में छी परसोली न्याय पंचायत का प्रभारी भारत सिंह भंडारी जी को भी ये निरीक्षण करना खड़ी है, जो कि लगातार बने अच्छी जब बैठे रोड़ा काम शुरू हो, मैं चाहे वो रेलिंग का बात हो या चाहे ये को हॉट मिक्स हो, तो बात कर दो चौहान जी से। चौहान जी बहुत देर हुआ ये रोड था बनने में, करीब 2003 ये रोड एक बार पहले डामरीकरण हुआ था, और एक बार आज 19 साल बाद वापस में कुछ काम हुआ, तो कम देख दिया आप इतने मैं पहले रावत जी आप प्रणाम कर लो वाइज माउंटेन अग्नि धन्यवाद कर लो, और आज सौभाग्य प्राप्त और क्षेत्रवासी तो एक बहुत बड़ा एक हॉट मिक्सा का जो मुख्य मार्ग था हमारे रामनगर बढ़ते चलन कौली खाल होते हुए दिगोली खाल और आपा भिनगोड़ी खाल और गुलाब, जबकि लगभग लगभग भाई साहब 26 किलोमीटर एक लंबाई से, और एक ना माननीय विधायक जिल जो कि करीब करीब जो कि जो अनुदान एक स्वीकृत कराई, तो कभी कभी जो कि भारतीय जनता पार्टी का जो ये क्षेत्र का जो कार्यकर्ता चीनी सबसे पहले एक वो लोगों का सबो अपर पार्टी का संगठन का लोग हुए, चाहे प्रभारी जी हो गया, अपना बूथ अध्यक्ष हो गया, अपना सेंसरी हो गया, और जब कभी हमारा वरिष्ठ लोग थी वो एक ही डिमांड चाहे विधायक जी से लगभग पिछले जब वो एक बार से पहला विधायक थी, तो तब लगातार हमारे एक ही डिमांड चाहिए कि विधायक जी आप जो कि ये रोड़ा खंड जो कि आप हॉडमिक्स का खंड जो करा दी,
ताकि हमारे एक बहुत बड़ी सौगात हमसे मिला लीजिए एक माध्यम से, जो कि हम लगातार कभी भी अगर चुनाव प्रचार हो या कभी भी हम जाना छो गाँव में, तो ये बोल दी कि जब आप मुख्य मार्ग नहीं बना सका तो गाँव का रोड क्या बने लगा। तो हमें लगातार विधायक जी तय टॉर्चर करना प्रयास कर रहे पिछले 5 साल में लगातार लगे अच्छा विधायक जी पचन कि विधायक जी आप जो कि विधायक जी भी क्षेत्र में न देगा तो एक आसान निपरान पता है जो हमारे मुख्य मार्ग तो एक बहुत बड़ा असर हमारे क्षेत्र से और आप तभी आने वाले चुनाव में एक नुकसान झेलना पड़ा ले। तो विधायक दिलकक न कर कार्यकर्ताओं बात न्याय पंचायत स्तर से लेके मंडल से लेके हम मंडल में चाहिए तो हम मलबिया पर बात रखी कि विधायक जी आप जो चुकी ये रोड़ा का सुकृत हॉट मिक्स आकर माध्यम से कर ला तो विधायक हमारे बात स्वीकार कर और ये कार्यकाल में जो चुकी पिछले कार्यकाल चाहू ये तो वर्तमान वो नया विधायक बन गए तीसरे बार में मगर पिछले बॉल कार्यकाल में जो चुकी विधायक जिला शासन द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री धामी जी के माध्यम से जो चुकी एक 11 करोड़ का स्वीकृत करी। और जय जवान जी एक दूसरी बात है कि जन की इंजीनियरिंग एक रेनू का सिस्टम है अब हम तो ये जन्म नहीं छोड़ लेकिन कई लोगों ने शिकायत कर कि बीच में छोड़ दी मैं रोड तय जब मैं थोड़ो अच्छी ऊँ घर में और एक बात आधा आधा छोड़ दी मैं तो ये को आप जे ही कर यही तक बात कर रही विषय में तो क्या जवाब चाहूँ। मैं जननी शिकायत कि जन प्रथम लेयर पढ़नी चाहिए जब लगभग फर्स्ट दिन काम पर भाई तो हम वही दिन उपस्थिति देना करो और ऑन द स्पॉट कार्य पर हो तो वही टाइम पर जो चीज़ की पहले लेयर पढ़नी चाहिए मगर फिर जननी दूसरे दिन की बात आई तो यक बेदुगली खाल क्षेत्र हो गया या जैक गाँव के नज़दीक मौक पढ़ना चाहिए वो शिकायत है कि मतलब जो चीज़ बच्ची वो यूला का मैट छोड़ा लो और एक बार निकलना चाहिए फिर तल तर चल गई तो तुरंत हम जो चुकी साइड पर आएगा और हम तो ये भी मिले और जे भी मिले और सरकार भी मिला हम तीन पार्टी अगर जो चुकी यहाँ पर बात रखी कि आप जो है कि इस तरह से कार्य क्यों कर रहे हैं कि पीछे आपने छोड़ दिया और उसके बाद करीब करीब 2 किलोमीटर आगे या आधा किलोमीटर आगे से आप फिर रनिंग करने लग गए हैं तो ये इसका क्या कारण है। तो जे लोगों ने और ये लोगों ने और ठेकेदार जी ने हमें संतुष्ट किया है कि छोड़ नहीं रही है जहाँ पर जो है कि ज़्यादा जो डैमेज हो रखी है रोड उसको हम देख रहे हैं ताकि हमारी जो दूसरी परत वाली लेयर आएगी वो एक साथ उन उसका इसका जो है मिलान हो जाएगा। तो आज हम फिर तीसरे दिन चौथे दिन फिर विजिट करने आए तो वो भाई साहब कहीं ना कहीं जो है कि इस टाइम जो है कि एक मक्खन की तरह रोड हमें देखने को मिली है जिसका हमने अभी अपनी गाड़ी के माध्यम से जो है कि जिसका निरीक्षण किया तो एक बेहतर रोड हमें मिल रही है और जो शिकायतें थी उन लोगों को हमने वहाँ पर बुलाया तो आप बताइए कि कहाँ से छूटा है तो कहीं पर भी नहीं छूटा है और बहुत सुंदर बना रहे हैं। इसके लिए मैं जे लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा क्योंकि वो मैं जब भी यहाँ पर साइड पर आया पिछले 2-3 बार से आ रहा हूँ तो लगातार वहाँ पर जे भी उपलब्ध है और ये साहब भी उपलब्ध हैं और ठेकेदार जी भी हैं और मुंशी लोग जो भी उनके स्टाफ हैं तो लगातार वो साइड पर बने हुए हैं और PWD का कोई ना कोई एक आध आदमी जो है वहाँ पर भी कार्यरत है तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई शक्ति कोई गुंजाइश रह सकती है। कट लगातार ये फिर भ्रमण कर कई बार आगे में जैसे बड़े काम शुरू में चाहे रेलिंग आप या चाहे मोट मसाला विषाण आप या बलिंग आप लोग काफ़ी जागृत होगी काफ़ी लोगों ने मिकने शिकायत भी कर फटाफट मिकने भी फोन करी कि रावत जी आप आओ और ये निरीक्षण करो कि लेकिन आधा आधा मुझे छोड़ना चाहिए बिल्कुल तो ये तो क्या देख दी आपकी लोग जागृत थी आप और विकास का विषय में बिल्कुल बहुत जागृत थी क्योंकि हम भी और आप भी आपके माध्यम से भाई साहब लगातार जो कि हम अपर बात है तो रख दो और आप भी कहते ना जो कि मैं देखने जो लगातार जब बैठे काम शुरू हुआ चित्रा के तो लगातार हम और आप जो कि मिलजुली के एक सक्रिय हो गए सा तब बैठी जब पिछले महीना बैठी का जो कि हम ठेकेदार जी का आदिम आ गया सा और रेलिंगा बात या गड्ढा जो कि गड्ढा मुक्त वाल जो सोलिंगा माध्यम से ये भरना चाहिए तब भी हमारे निरीक्षण कर और तब भी हमारे अधिकारी उधर जो चुकी वही टाइम पर आपक माध्यम से हम लोग उधर चर्चा कर कि अब जो काली रोड जब बेटा आप डालला ये मुख्य हम तो शिकायत नहीं आना चाहते और हम लोग संदेश आपक माध्यम से ही और आप अपर माध्यम से जो चुकी वो गाँव तक पहुँचाना कोशिश कर हम लोग और वो आज साकार दिखना और कहीं ना कहीं लोग जो चुके आज हम तक लग में कि गाँव तक छोड़ छोड़ी जो चुकी साइड पर आना चाहिए तो मैं उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कर लूँ क्यों क्योंकि विधायक जिल 2 रुपया स्वीकृत कराया शासन बैठी और अब जो चुकी वो रोड और वो पैसा जो चुकी हमारे विकास में लगना चाहिए तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारे कि हम तो जरूर जाए गाँव नज़दीक वो रोड बनने से वो गाँव तक वह बढ़ने के लिए ध्यान रखना चाहिए और ये मैं जब तक भाई साहब हम तुम 2-3 दिन पर लगातार जगह भी हम तुम विजिट कर रहे रोड की तो कहीं ना कहीं जो चुकी अभी मैं बटोला बात कर लूँ इससे पहले मैं देवता ख्याता बात कर लूँ इससे पहले मैं आप देवता ख्याता तल्या बाजार बात करूँ तो कहीं ना कहीं लोग अपना गाँव तक छोड़ी कि जो आप सामाजिक कार्यकर्ता थी या कोई महिला चापर तो कहीं ना कहीं निकली का और रोड़ा के सर्वे कार से भाई साहब तो मैं बहुत बहुत लोगों तभी अपर माध्यम से आपक माध्यम से आपका चैनल माध्यम से और अपर पार्टी माध्यम से होता ही बहुत बहुत धन्यवाद कर लूँ और ये तरह से जन जन रोड इधर चलते रहा और वो लोगों तभी ये संदेश जरूर पहुँचा दिया भाई साहब कि आप आग नज़दीक जन रोड पहुँचा ले तो आप लोग सक्रिय हुई कर रोड़ा के वो ऑन द स्पॉट पर जो चुकी पहुँचना कुछ और जरूर वॉइस ऑफ माउंटेन भी आप लोगों से अनुरोध करेंगे कि जब आग पाक गाँव नज़दीक यह रोड बनी जाली तो जरूर देखना खाना और जो भी आप था वो कंप्लेंट लगा तो जरूर आप वॉइस ऑफ माउंटेन रखनी
फोन कर सकती हम जरूर वे था मुद्दों था उठूला और शासन प्रशासन से बात कर ला। मैं दर्शन सिंह रावत मनीषा दगड़े वॉइस ऑफ माउंटेन दुगल खाल बेटी रोड देखने लगा। धन्यवाद।